हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक प्रोजेक्ट जिसमें हम कंट्रोल करेंगे इस 16x2 LCD को हमारे आर्डिनो और फोन की मदद से। यानी फोन पे कुछ फिक्स्ड मैसेजेस रहेंगे जो हम फोन पे बटन प्रेस करते ही ब्लूटूथ मॉड्यूल की वजह से आर्डिनो को पता चलेगा और आर्डिनो से हमारे LCD पे डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए अब इसका कोड देख लेते हैं, उसके बाद इसका सामान, और शुरू करते हैं इसे बनाना। तो लेट्स मूव ऑन टू आर कोड। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा कोड है, और इसमें हमने हमारी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की लाइब्रेरी ऐड कर दी है। उसके बाद हमारे ये सारे पेंस, ये एक स्ट्रिंग ऐड कर दी है। यहाँ पे हमारा सीरियल बिगिन है हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कुछ सीरियल अवेलेबल, जो हमारा सीरियल चेक करने का है हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए, वो सब चीज़ें। और ये यहाँ पे हमारे बटन्स, जो हम फोन से बटन दबाने के बाद जो मैसेजेस आने चाहिए उसके लिए कमांड्स है। आप इन मैसेजेस को चेंज कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। इसके लिए आपको ऐप में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐप में ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऐप पे जो मैसेज आएगा, टेक्स्ट आएगा, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी MIT ऐप इन्वेंटर पे हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप MIT ऐप इन्वेंटर पे नए हो और आपको सीखना है कि MIT ऐप इन्वेंटर कैसे यूज कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसके भी ट्यूटोरियल वीडियोस बनाना चालू कर दूंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आपको ऐप में क्या चेंज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ब्लॉक्स में कुछ चेंज नहीं करना है, आपको ऐप के कोड में कुछ चेंज नहीं करना है। कोड इज सिंपल, आपको बस यहाँ पे डिजाइनर में आना है, और यहाँ पे ये जो सारे बटन से आपको ब्लैक कलर में जो बटन दिख रहे हैं, आपको इन सब का टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर अभी मैं ये बटन दबाऊंगा सब कुछ कनेक्टेड होने के बाद, तो आपको हेलो वर्ल्ड आउटपुट मिलेगा, जो मैं आपको प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दिखाई दूंगा। तो आपको फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे लिखना है कि हाय हाउ आर यू। तो आपको ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये बटन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये मेरा बटन 2 है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट में जाना है, मैंने वो हेलो वर्ल्ड रिमूव कर दिया था, अब मुझे हेलो वर्ल्ड ही डालना है, इसलिए मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कर दूंगा। हेलो वर्ल्ड, मरे आ गया हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब मैं जैसे यहाँ पे चेंज कर दूंगा, अगर आपको और टेक्स्ट डालना है तो आप इसको कट करके और टेक्स्ट डाल सकते हो। मैं आपको MIT ऐप इन्वेंटर का ऐप के लिंक भी दे दूंगा और APK भी डाउनलोड करने को दे दूंगा। अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो आप सीधा APK डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको चेंजेस करना है देन यू कैन हेड ऑन टू MIT ऐप इन्वेंटर एंड डू द रिक्वायर्ड चेंजेस। बस क्रेडिट दे देना, या ऐसा होता क्रेडिट दे देना बस, मुझे ऐप बनाने में हेल्प की आपको। तो सो लेट्स मूव ऑन टू आर स्टफ, हार्डवेयर। सो गाइस, यह है हमें लगने वाला सामान इस प्रोजेक्ट के लिए। HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, एक 10K का पोटेंशियोमीटर, ये प्रीसेट है, पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हो। हमारा प्यारा 16x2 LCD और जिगर का टुकड़ा हर प्रोजेक्ट का, आर्डुइनो यूनो। आप आर्डुइनो नैनो, मेगा, कोई भी यूज कर सकते हो। अगर कोड में कुछ चेंज करना पड़े तो कर लेना। उसके बाद हमें इसे, इसे और इसे एक साथ कनेक्ट करना है। मैं इसे कैसे कनेक्ट करना है वो बताऊंगा, पर इसे कैसे कनेक्ट करना है नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत आसान है। अगर आप इस वीडियो पे आए तो ऑफ कोर्स आपको बताऊंगा कि एक LCD को कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर उसे कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर नहीं पता होगा तो जाके मेरी दूसरी वीडियो देख लो, जो यहाँ पे कहीं पे तो भी आए में आ जाएगी, और वो बता देगी कि आपको LCD कैसे कंट्रोल करना है आर्डुइनो की मदद से। दोनों के कनेक्शन सेम है LCD के लिए, उसमें ये नहीं है। उसमें हमें उस इस प्रोजेक्ट में ये ऐड कर देना है। मैं आपको ये कैसे ऐड करना है बता दूंगा, इसको कनेक्ट करके मैं वापस आता हूँ। सो गाइज, अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे इन वायरों के जंगलों की मदद से मैंने ये डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया है, और हमारा जो HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसको भी 4 वायर्स कनेक्ट कर दिए है मैंने, जो मेल टू फीमेल है। मेल साइड इज राइट ओवर हियर, और अभी हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो जो हमारे HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल पे VCC है, यानी हमारे ये ब्लू कलर का मॉड्यूल, ये हम हमारे ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल पे जो वायर्स आते हैं उनको लगाएंगे,
और उसके बाद JND के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, ब्रेड बोर्ड के ही ग्राउंड को लगा देंगे वो। अब RX और TX के लिए, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे RX इज हमारा ऑरेंज वायर और TX इज येलो वायर। तो हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का TX है, मतलब जो ट्रांसमिशन है, वो हमारे आर्डियनो के 0 पिन यानी रिसीव RX पिन में जाएगा, विच इज राइट ओवर हियर। और जो TX वायर है, नहीं सॉरी, द RX वायर है, वो हमारे TX में जाएगा आर्डियनो के, दैट्स पिन नंबर 1। डिजिटल PWM पिन्स के 1 और 2 पे जाएगा वो। दिस वुड बी ऑल द कनेक्शंस यू वुड नीड टू डू टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो अब इसके बाद हम इसे पावर अप कर देंगे और जो मैंने आपको कोड दिखाया है वो इसमें डाल देंगे। नोट, अगर आपका, मैंने इसमें कोड पहले से ही डाल दिया है, बट जस्ट फॉर अश्योरेंस आई एम री अपलोडिंग इट। और अगर आप कोड री अपलोड कर रहे होगे तो आपको हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल के दोनों ये वायर्स, RX और TX पिंस, ये दो वायर्स आपको डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे, ताकि जब हम हमारा आर्डियनो ब्लूटूथ से ट्रांसमिशन और रिसीविंग करना छोड़, हमारे कंप्यूटर के साथ ट्रांसमिशन और रिसीविंग करेगा। अगर आप इसे कनेक्टेड रखोगे तो इट विल नॉट डिस्प्ले अ थिंग। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है, सब कुछ ऑन हो चुका है, ब्लूटूथ मॉड्यूल की लाइट भी ब्लिंक कर रही है। मैंने कोड ऑलरेडी अपलोड कर दिया, इसलिए मैं कोड अपलोड नहीं करूँगा। नाउ लेट्स कनेक्ट टू द ऐप एंड ट्राई टू डू दिस। तो गाइज, आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने सब कुछ कनेक्ट कर लिया है, मेरा SC05 मेरे फ़ोन को कनेक्टेड है। और मैं अभी इस पे बटन्स दबा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने टेक जीनियस वाई के डाल दिया और इस पे आ चुका है टेक जीनियस वाई के। अभी कैमरा में ठीक से नहीं दिखा रहा, मैं 1 मिनट स्क्रू ड्राइवर से उसको एडजस्ट करके देखता हूँ। हाँ, ये लीजिए, थोड़ा सा ब्राइट हो गया है वो, दैट्स द मैक्स ब्राइटनेस आई कैन डू। तो अभी मैं मैसेज चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे दूसरा मैसेज आ गया, अभी तीसरा मैसेज, ये आ गया तीसरा मैसेज, और अभी चौथा मैसेज, ये आ गया चौथा मैसेज। तो अभी आप बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, जो बहुत आसान है। और अगर आपने ये बनाया और आपका काम किया, तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे और यूजफुल प्रोजेक्ट्स आपको फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।